सब्सक्राइब कीजिए टेक नंबर वन चैनल को और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक नंबर वन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यदि आप वोडाफोन की सिम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स और उसमें आपको इंटरनेट चलाने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है फ्रेंड्स, तो उसके लिए आपको क्या सेटिंग करना पड़ेगी फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना होगा फ्रेंड्स। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आपको APN सेटिंग में जाना होगा फ्रेंड्स। एक्सेस पॉइंट नेम के नाम से सेटिंग होती है फ्रेंड्स। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो आप उस वीडियो को वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स। एक्सेस पॉइंट में आपको यहाँ पर ऊपर नेम में आपको वोडाफोन इंटरनेट रखना होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर सेकेंड वाले ऑप्शन में आपको APN में टाइप करना होगा vodafonelive.com, पर आपको ये स्मॉल लेटर में लिखना होगा फ्रेंड्स। ये आप ध्यान रखिएगा, यदि आपका V कैपिटल में लिखा हुआ हो तो उसको आपको स्मॉल करना होगा फ्रेंड्स, तो आपको ये स्मॉल ही रहने देना है। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा फ्रेंड्स, APN में vodafonelive.com रखना होगा फ्रेंड्स आपको। यहाँ पर पोर्ट में आपको 8080 डालना होगा फ्रेंड्स दो बार, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने एक बार डाला था, तो ये आप चेंज कर लेना अगर आपका नेटवर्क नहीं कर रहा है तो। सर्वर में आपको गूगल ही रखना होगा फ्रेंड्स यहाँ पर भी। अब यहाँ पर आपको नीचे स्लाइड करना होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर APN प्रोटोकॉल में आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये 4 पे सिलेक्ट रहता है, तो आपको यहाँ पर 6 और 4 दोनों को सिलेक्ट रखना होगा फ्रेंड्स। तो ये आप देख लीजिएगा, आपके फ़ोन में सिलेक्ट नहीं है तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर नीचे आपको बैरियर में आना होगा फ्रेंड्स। अगर आपके फ़ोन में ये सब सिलेक्ट हो रहे होते हैं तो फ्रेंड आप ये सब सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पर बैरियर में। और यदि आपके फ़ोन में 3 ऑप्शन ही आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपको इसे कुछ नहीं करना है, आपको इसे रहने देना है। अब यहाँ पर आपको मोर में सेव कर लेना है फ्रेंड्स, और आपके अपने फ़ोन में डेटा रोमिंग भी एक बार ऑन कर लेना है फ्रेंड्स। डेटा रोमिंग का भी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था फ्रेंड्स, तो आप इसे ऑलवेज रख देना है या इसे ऑन कर देना है। ये सब करने के बाद आप अपने फ़ोन को एक बार रिबूट करके ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, आपका नेट 100% वर्क करेगा फ्रेंड्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।